हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। एक हॉस्पिटल में रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ बिना रिश्तेदार पेशेंट को भर्ती करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिप्रेशन के डिसीज़ के बारे में। क्या आपको नींद नहीं आती? क्या आपकी नींद बार बार उखड़ जाती है, निकल जाती है? क्या आपको भूख नहीं लगती? क्या आप चिड़चिड़े हो जाते हो? क्या आपका मन उदास है और रोना आता है? हो सकता है कि आप डिप्रेशन के डिसीज़ के शिकार हो गए। डिप्रेशन ऐसी एक बीमारी है कि जो मन को होती है, साइकोलॉजिकल इलनेस है, और उसका इम्पैक्ट सारे शरीर के ऊपर होता है। मतलब दिल से लेके हार्ट से लेके पेट में या सभी, मतलब पूरे बॉडी के ऊपर डिप्रेशन का असर होता है। डिप्रेशन का कारण है एक तो केमिकल इम्बैलेंस, कि जहाँ केमिकल लोचा जिसको बोलते हैं, केमिकल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, और काफ़ी सारे ऐसे कारण दिए हुए जिससे भी डिप्रेशन आ सकता है। जैसे कि बड़ी कोई घटना घर में हुई, किसकी मृत्यु हो गई, बहुत पैसे का नुकसान हो गया, पैसा लॉस कर लिया, या कोई झगड़ा हो गया, या रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसे इसमें डिप्रेशन आ जाता है। और उसका मेन जो है वो उदास लगना या रोना। उसमें कभी कभी खुदकुशी करने का भी उसका मन करता है। लोग पूछते हैं कि भाई डिप्रेशन के व्यक्ति को कैसा पहचाने, हमारे घर में कोई यदि व्यक्ति है उसको कैसे पहचाने? तो देखो, आपकी बार 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 वो नकारात्मक बातें बोलता है, उसका चेहरा उदास दिखता है, वो धीरे 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 बात करेगा, उसको छोटी छोटी चीज़ के ऊपर रोना आएगा, खाना नहीं खाएगा पूरा, नींद उसको उचाट रहेंगी या नींद बराबर नींद नहीं लेगा, और चलना धीरे धीरे, उठना धीरे धीरे, बैठना धीरे धीरे, मतलब ऐसा आदमी देख के अपने को लगता है कि नहीं, इसको डिप्रेशन होगा। उसका अपचन भी होते रहता है, उसको एसिडिटी होती रहती है, कोई चीज़ में उसको आनंद नहीं आता, उसकी मेमोरी भी, जो याददाश्त जो है वो भी ख़राब हुई रहती है, उसको याददाश्त नहीं रहती। तो ऐसी चीज़ें हमें कोई व्यक्ति में दिखाई देती है, समझ जाना कि इसको डिप्रेशन हो सकता है और उसका इलाज करना ज़रूरी है। डिप्रेशन की वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ हमको होती है, और जिसमें एक तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, पचन जो है, पचन शक्ति वो हमारी कमज़ोर हो जाती है, और हमको वीकनेस आ जाता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों में जो डिप्रेशन आता है उसमें पालक वर्ग जो है सजग नहीं रहता। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चों में कैसा डिप्रेशन आ सकता है, मगर बच्चों में भी डिप्रेशन आता है। और बच्चों में डिप्रेशन कैसा दिखाई देता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, बच्चा स्कूल में जाना अवॉइड करता है, उसको याददाश्त उसकी कमज़ोर हो जाती है, उसको बहुत बड़ा प्रेशर लगता है पढ़ाई का, मार्क्स का, कि भाई मैं कैसी पढ़ाई करूँ, मुझे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। खाने पीने में उसका ख्याल नहीं रहता, खाना पीना कमज़ोर, मतलब कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सारी बातें जब बच्चों में दिखाई देती है, समझ जाना कि नहीं, बच्चे को भी डिप्रेशन हुआ है, बच्चे को, और उसकी वजह उसका तान तनाव हो सकता है, उसके ऊपर डिमांड्स हमने डाली तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ सकता है। तो पालक लोगों ने, मतलब माँ बाप ने भी उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अब लोगों में पूछते हैं कि भाई डिप्रेशन का इलाज कैसे करेंगे? तो डिप्रेशन का इलाज करने के लिए एक तो दवाइयाँ हैं जिसको एंटी डिप्रेशेंट्स बोलते हैं, जो हम देते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं कि जो देते हैं तो डिप्रेशन अच्छा हो जाता है। और एंटी डिप्रेशन जो दवाई है उसका फ़ायदा दिखने के लिए, गुण दिखने के लिए कम से कम 15 से 21 दिन का समय लगता है, और 6 से 9 महीने तक ये दवाई लेना ज़रूरी है। वो व्यक्ति को काउंसिलिंग कर दिया, हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी किया तो बहुत अच्छा है। हमारा एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम में हम व्यक्ति को काउंसिलिंग करते हैं, उसको 10 सेशन देते हैं काउंसिलिंग के या हिप्नो काउंसिलिंग के, और फिर वो 10 सेशन में उसको धीरे 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 डिप्रेशन के बाहर निकालते हैं। वैसे ही हम उनको बोलते हैं कि भाई नेगेटिव चीज़ें मत देखो, टीवी के ऊपर कोई नेगेटिव मालिका चल रही हो मत देखो, नेगेटिव लोगों से बात मत करो, नेगेटिव चीज़ें मत बोलो, या फिर मतलब ऐसा कोई करो कि जिससे आपको स्फूर्ति मिलेगी। अच्छी कैसेट, मतलब मोटिवेशनल कैसेट सुनो, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखो, अच्छे लोगों के साथ में रहो, और जो चीज़ आपको प्रेरणा देती है तो वो करो। जैसा कि म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनो, हंसना, लाफ्टर क्लब्स है, लाफ्टर क्लब में आप जाते हो, वहाँ बहुत हंसते हो लोग ना, तो उसमें भी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। और ऐसा बोलते हैं कि भाई आपका बॉडी जो है वो मूवमेंट में रहेगा तो आपके इमोशन ठीक हो जाएंगे, मतलब आपके मोशंस में आप आ जाएंगे, मूवमेंट में आप आ जाएंगे तो आपके इमोशन ठीक हो जाएंगे। उसके लिए आप अपना जो बॉडी स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, उसको बहुत एनर्जी में लाओ, बहुत उसको एक्टिव करो, इच्छा नहीं तभी भी उसको एक्टिव करो, और जो भी चीज़ है, यस आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब ऐसा चीज़ें खुद करते हो, जोर से बोलते हो,
मतलब ऐसी चीज़ें करते हो तो आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि भाई फेक इट टिल यू मेक इट, आपको उदास लगता है तभी भी आप बहुत खुश है ऐसा बर्ताव करो, आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें से मतलब वो करते हम तो डिप्रेशन ठीक हो सकता है। प्रिवेंशन होना बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन का, जिसमें जो है कि हम बोलते हैं कि हरदम खुद के लिए टाइम दो, मेडिटेशन करो। हम खुद के लिए टाइम ही देते नहीं हैं, तो ऐसा टाइम है कि जो अपने लिए हमने दिया हुआ है। और फिर दूसरा, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में भी रहने का नहीं है, मतलब अकेले 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 रहने का नहीं है। लोगों के साथ में रहते हो, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हो, लोगों के लिए टाइम देते हो, तो डिप्रेशन नहीं होने में बहुत मदद हो जाएगी। डिप्रेशन होता भी है और आप लोगों के लिए खड़े हैं, लोगों को कोई सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी आपका डिप्रेशन अच्छा हो जाएगा। एक बड़े साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने ऐसा बोला कि किसी को डिप्रेशन हुआ तो आप एक काम करो, अपने घर को ताला लगाओ और बाहर जाओ और वो लोगों के लिए काम करो जो लोग डिप्राइव्ड है, मतलब जिनको पैसा कम है, जिनके रिसोर्सेस कम है, जो गरीब है, जिनको कुछ मिलता नहीं, उनके लिए काम करो, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो लोगों के लिए खड़े रहो। तो ये चीज़ हम करते तो डिप्रेशन से काफ़ी सारा आराम मिल जाएगा या डिप्रेशन होगा भी नहीं। आपके संपर्क में काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको आपको लगता है कि ये डिप्रेशन में जा रहा है या डिप्रेशन है, ज़रूर उनको ये वीडियो शेयर करो या आप सब्सक्राइब करो वीडियो आपको अच्छा लगा तो, और उसमें बेल आइकॉन आएगा ना तो उसको भी आप क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आ जाएंगे। आप लाइक करेंगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। और आपको जो भी चीज़ों में वीडियो चाहिए वो आपके कमेंट बॉक्स में डालो, मैं अगले वीडियो आप जो चाहे उसमें बना दूंगा। सो हमारा जो मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें भी आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।